ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग अपने YouTube चैनल के लिए एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, जहां पे गाइस आप अपने बैकग्राउंड PNGs वहां पे अपलोड करके आप अपने जो व्यूअर्स को वहां पे भी ला सकते हो, यानी कि वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा मैं आज की इस नई वीडियो में कि आप कैसे बना सकते हो आप वहाँ पे वेबसाइट, जो मतलब गूगल वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। जैसे गाइस मैंने लास्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया था कि आप अपने फोटो एडिटिंग का चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो, तो गाइस उस वीडियो में मेरे को नीचे कमेंट में और मेरे को DM बहुत आए थे उस वीडियो को, जैसे कि भाई हमने यूट्यूब चैनल तो बना लिया बट हमें जो है एक वेबसाइट ही बनानी है जहाँ से हम अर्निंग कर सकें। तो गाइस अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो गाइस उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आई बटन में, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लेना। ठीक है, तो बाकी गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर देना, मैं आप सभी के लिए उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। तो बाकी चलिए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये जो वेबसाइट है हम ब्लॉगर वेबसाइट पे बनाएंगे यानी बिल्कुल फ्री है, तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम सुन के आप ये लोग मत समझना कि यार ये वेबसाइट कैसी है, यहाँ पर तो अर्निंग वगैरह नहीं होती है। सबसे बढ़िया वेबसाइट है अब तक की, सबसे फ्री वेबसाइट है, मैंने भी इसको बहुत यूज़ किया है। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि आपको भी यही यूज़ करना है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, साइनअप कर लेना है एंड साइनअप करके आप जैसे अंदर एंटर होगे आपको यहाँ पे सिंपली आपको जो यहाँ पे टाइटल वगैरह आपको डालने को बोलेगा, जैसे कि चूज़ अ नेम ऑफ योर ब्लॉग। ठीक है, तो आप जिस नाम से अपना ब्लॉग रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फूड एरिया। ठीक है, फूड एरिया मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो आपके चैनल का नाम है वही रखना है आप सभी को। ठीक है, जैसे आप इतना कर लोगे आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन आप सभी को यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बोलेगा चूज़ अ URL फॉर योर ब्लॉग, यानी कि जिस जो मतलब कि URL आप बनाना चाहते हो जिससे कि आपके यूट्यूब आप मतलब आपका जो ब्लॉग है वो सर्च करें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फूड एरिया वर्ल्ड, ठीक है, .blogspot.com। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। बाकी आप अपने डिस्प्ले पे क्या नाम देना चाहते हो, मतलब कि कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फूड एरिया ही रखूँगा। ठीक है, तो आप भी अपने चैनल का नाम ही रखना। बाकी आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे आपका जो ब्लॉग यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, बस आपका जो ID बनी है इसमें एक तरफ सब यूँ कह सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, बाकी मैं आप सभी को पूरी थीम से लेकर सब कुछ बताऊँगा कि आप अब इसमें अपना व्हाट्सअप इंस्टाग्राम इन सबका लिंक कैसे डालोगे। तो न्यू ब्लॉग पर हम जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो पहले मैं इसको जो है डेस्कटॉप मोड साइड पर कर देता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, इनको आप आराम से समझना। ठीक है, टाइम देके मतलब आप इसमें ID बना लोगे तो आप समझ जाएं सब कुछ। मैं आपको मेन चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कि आप इसमें व्लॉग कैसे लिखोगे, तो ऊपर जो टाइटल का ऑप्शन है जिससे कि आपके जो व्लॉग है वो सर्च करेंगे लोग, तो आपको यहाँ पे वो वाला टाइटल डालना है। और टाइटल ऐसा डालना जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो ना अपनी, मतलब कि एकदम ट्रेंडिंग वीडियो हो जाए, जैसे मतलब कि वायरल जाए, वैसे ही टाइटल आपको यहाँ पे भी डालना ताकि आपका जो गूगल पे भी जो है आपके व्लॉग वायरल जाए। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे नॉर्मली मैं मतलब ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फूड एरिया ही लिख दे रहा हूँ एंड बाकी आप सभी को देखिए यहाँ पे ना आपको जो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अल्फाबेट वगैरह के। ठीक है, आप यहाँ पे बोल्ड टोल्ड करने का, तो आप जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे अपलोड कंप्यूटर कर देना है। देन आपको यहाँ पे कैसे करना है, आपको यहाँ पे सिंपली चूज अ फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पे जो आप अपनी फोटोज़ अपलोड कर पाओगे यानी कि जो बैकग्राउंड PNGs आप अपनी वीडियोज़ में दोगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सिंपली अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे कि स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कि मतलब NSG पिक्चर जो है अपने यहाँ पे स्टार्टिंग में थंबनेल ऐड करते हैं, तो जैसे कि मैं थंबनेल के तौर पर मैं इस फोटो को ले रहा हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है मैंने फूड नाम से जो चैनल बनाया तो मैंने फूड की फोटो ही ले ली है। ठीक है, तो फिर हमने इसको यहाँ पे ऐड किया। बाकी आप सभी को जो फोटो के आपके जो भी एडिटिंग के बारे में आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, और टाइप ऐसा करना है कि लोग उसको पढ़ें तो उनको आधी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाए, ऐसा आपको टाइप करना है। अगर आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप बड़े बड़े जो हमारे जो यूट्यूबर हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ के आप समझ सकते हो कि आपको क्या टाइप करना है, क्या लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। बाकी आपको 2-3 समरी भी लिख देनी है वहाँ पे। ठीक है, कुछ मतलब कि पॉइंट्स लिख देने हैं एंड पॉइंट्स लिख देने के बाद आपको जो है वहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है वो बैकग्राउंड PNGs उनके बारे में लिख देना है। ठीक है, आप इतना जब जैसे कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे व्लॉग दिखाता हूँ। अभी जो व्लॉग है हमारा यहाँ पे हमने पोस्ट वगैरह कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ व्लॉग हमारा दिख कैसा रहा एक्चुअल में। तो गाइस अभी देखिए व्लॉग को देख के ना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि बोरिंग सा ही लग रहा है। तो बाकी इसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मेन चीज़ आपके आपको यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहले तो आप सभी को जो यहाँ पे आ जाना है स्क्रीन पे। ठीक है, आपको यहाँ पे ना मैं एक लिंक और दे दूंगा, ये जो यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है सारी फाइल। ठीक है, जो कि मेरा थीम जो फाइल है आपको डाउनलोड करनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आना, आपको जो भी आपको अच्छा लगे
जो थीम आपको अच्छी लगे आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये वाली थीम सही लग रही है तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप यहाँ पर बाय भी कर सकते हो रेड वाले बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो आप बाय कर लेना अगर आपके पास पैसा है तो, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, फ्री में भी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको कहना, आपको बैक आना, आपको फाइल मैनेजर में जाना अपनी, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप सभी को कहना, आपको जो भी मतलब आपके जो भी उसका नाम है, मतलब जो भी आपने फाइल डाउनलोड करी है वहाँ पे थीम, आपको यहाँ पे सिंपली इसको सर्च कर लेना। जैसे कि भाई यहाँ मैंने एजी करके जो यहाँ पे फ्री वर्जन है, मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड। आपको सिंपली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड में आपको यहाँ पे अपना जो जो भी नाम दे देना जो कि आपको यहाँ पे सर्च करने में ईजी हो, ठीक है। यानी कि आप वहाँ पे ढूंढ पाओ आराम से, आपको वो दे देना है। देन उसके बाद आपको अपने ब्लॉग में चले जाना है, आपको यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, सॉरी थीम का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली थीम में चले जाना है। अब जैसे थीम में जाओगे आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप रिस्टोर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अपलोड पे जैसे क्लिक करोगे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका फाइल है। फिर आपको आपने जहाँ पे भी सेव किया अपनी फाइल को आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। एंड उस पे जाने के बाद आपको एकदम लास्ट में चले जाना है, आपको यहाँ पे आपकी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आपको फाइल जहाँ पे आपने सेव करी वहीं पर ढूंढना है आपको, ठीक है। आप जैसे फाइल को ढूंढ लोगे आपको यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड जो आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना, ठीक है, आपकी स्क्रीन में। अब वो जैसे ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको व्यू लॉग पे चले जाना है, व्यू लॉग पे करना है, एंड आपको यहाँ पे जाके चेक करना है। तो कैसे देख सकते हैं हमारी जो थीम है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। हमारी थीम पहले कैसी थी एंड आप कैसी हो गई, देखिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो है मतलब इंस्टाग्राम वगैरह के लिए जो है यहाँ पे लिंक वगैरह भी आ गई, व्हाट्सअप वगैरह की, ठीक है। तो भी मैं सब कुछ आपको डाल के दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है, आपको वीडियो वीडियो अपने आप सब कुछ यहाँ पे डाल पाओगे, ठीक है। अभी कैसे यहाँ पे जो है एक तरफ से पेम्पलेट ही है मान लो आप, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अपने इंस्टाग्राम वगैरह की लिंक देना है, आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है बैक अपनी वेबसाइट में, आपको यहाँ पे थीम के ऊपर क्लिक करना है। थीम के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारे टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो जो आपको आपके वेबसाइट पे दिख रही होंगे सारे टूल्स दिख देंगे, आपको सब कुछ अपना डालना। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेडर लोगो, हेडर लोगो में यानी कि क्या होता है, जो कि आपके हेड पे जो लिखा होता है यानी कि फ्रंट पे जो मतलब कि ऊपर जो नेम होता है आपके चैनल का, आपको उसका एक थंबनेल बनाना है यानी कि छोटा सा, ठीक है। अभी तो मेरे पास कोई थंबनेल नहीं है तो अभी मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। आप बना के उसको ऐड कर सकते हो वहाँ पे। अब मैं बताता हूँ आपको अपने जो सोशल मीडिया के ऐप्स के लिंक जो है कैसे डालने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सोशल साइट पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे जो कि बेकार के होंगे, उनको आपको डिलीट कर देना है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, ये चार चीज़ आपको रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गाइज हम मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक डाल के दिखा देता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम पे ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे लिंक जो होगा एक पहले से, आपको उस लिंक को यहाँ पे रिमूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि वो जो लिंक है जो इसकी थीम आप यूज़ कर रहे ना उसका लिंक होता है, तो आपको उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एंड जो आपको अपने इंस्टाग्राम के यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है पहले से ही, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। इतना यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको जो नीचे लास्ट में आपको एक सेव का ऑप्शन दिखेगा ये वाला, आपको सिंपली इस पर सेव कर क्लिक कर देना है, एंड सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे सेव हो जाएगा आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे वहाँ पे जो स्क्रीन है उसको जूम कर लेना है, एंड यहाँ पे व्यू ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है व्यू ब्लॉक पे। एंड आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो यहाँ पे स्क्रीन कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। तो अभी देखिए अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, अभी आपको हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे पहले तो वो क्योंकि हमने रिमूव कर दिए। तो अभी हम इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट मेरी आईडी पे पहुँच जाओगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको अपने सारे लिंक्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड जैसे ही अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे तो मेरे को फॉलो भी कर लेना, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, बाकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा फुल नेम मेरा, तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा इतना काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसमें आपको और भी चीज़ें क्या करनी है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो जो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाकी यहाँ पे आपको सारे टूल्स वगैरह दिख रखे हैं, आप लोग आईडी बनाओ, टूल्स को जाकर चेक करो कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ है। बाकी आपको एकदम अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है यानी कि आप इसको मोनेटाइज कैसे करोगे, है ना। आपके आपका आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हो, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमें हम सबको ज़रूरत है जिस चीज़ की। तो अगर आपको अर्निंग वगैरह में भी जानना है कि आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो ला दूंगा। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। एंड जैसे ही गाइस देखा आप सभी ने, मैंने जैसे कि थंबनेल में लिखा था 5 मिनट में आप कैसे वेबसाइट बना सकते हो, और ये वीडियो जो है काफी लंबी हो गई। तो गाइस आप लोगों को टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए मैंने गाइस जो मतलब यहाँ पे जो चैनल का अर्निंग वाला जो पार्ट है वो मैंने स्किप कर दिया है। ये आपको मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा, यानी कि मैंने इसके ऊपर वीडियो जो है बना रखी है पूरी, ये सारी वीडियो मैंने एक साथ बनाई थी, ठीक है, इसको मैंने बना रखी है। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको अर्निंग कैसे कर सकते हो वेबसाइट से, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए ला दूंगा वीडियो उसके ऊपर भी। तो आप लोग नीचे जो भी मतलब कि कमेंट कर देना एंड बाकी आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड बाकी बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।